सब्सक्राइब कीजिए देसी इंजीनियर चैनल को और बेल की घंटी बजा दीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी के बारे में, जिसे हिंदी में आवर्ती जमा योजना कहा जाता है। यह एक ऐसा फिक्स्ड अकाउंट है जिसमें हम एक मुश्त की बजाय हर महीने किस्तों में जमा करके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं। पहले हम आरडी की कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आरडी का मकसद, रिकरिंग डिपॉजिट का मकसद, लोगों में बचत की आदत डालना है, जिससे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अच्छा पैसा बना सकें। हर महीने 100 रुपये तक की मिनिमम राशि को हम आरडी में जमा कर सकते हैं। रेगुलर आरडी में हर महीने फिक्स अमाउंट जमा करना होता है, यानी कि अगर आपने 1500, 2000 या 3000 जो भी अमाउंट चूज कर लिया, आपको हर महीने उतना पैसा जमा करना होगा। लेकिन एक दूसरा आरडी होता है जिसे फ्लेक्सी आरडी कहा जाता है। इसमें बेस अमाउंट के अलावा आप उसके मल्टीपल में और भी अपने मनपसंद का पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 1500 रुपये का बेस अमाउंट चूज किया, तो उसके अलावा आप 1500 के मल्टीपल में 3000, 4500, 6000 इस तरीके से जमा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरडी में कितना रिटर्न मिलता है। आमतौर पर आरडी का जो ब्याज दर होता है वो एफडी के बराबर ही होता है। अभी 2017 में 6% से लेकर 7.5% तक का ब्याज आरडी अकाउंट में मिल रहा है, जो बैंक टू बैंक फर्क होता है। आरडी अकाउंट से जमा का 80 से 90% तक आप लोन भी ले सकते हो, यानी कि जब आप कुछ पैसे इसमें जमा कर लेते हो, उसके बाद आपको जरूरत पड़ने पे उसमें से आप लोन भी ले सकते हो, जो पर्सनल लोन से काफी सस्ता पड़ता है। अब हम बात करते हैं आरडी में इन्वेस्ट कौन कर सकता है। कोई भी बालिग भारतीय नागरिक आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। नाबालिग नागरिक भी अपने अभिभावकों के साथ मिलकर आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। आरडी अकाउंट कहाँ पे खुलता है? किसी भी भारतीय बैंक में केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ जाकर आरडी अकाउंट खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी आरडी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। आरडी अकाउंट का लॉक इन टाइम क्या होता है? आरडी अकाउंट कम से कम 6 महीने से लेकर अधिकतम 10 साल तक के लिए खुलाया जा सकता है, यानी कि आप 6 महीने से कम का आरडी अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, और मैक्सिमम 10 साल। अकाउंट मैच्योर होने से पहले पैसे नहीं निकाला जा सकता, पर अकाउंट बंद किया जा सकता है, जिससे कुछ फाइन लगता है और बाकी सारा पैसा आपको मिल जाता है। आरडी अकाउंट को पार्शियली विड्रॉ नहीं किया जा सकता, बल्कि लोन लिया जा सकता है या फिर अकाउंट बंद करके सारा पैसा निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं एफडी और आरडी में क्या फर्क है। एफडी में एक मुश्त रकम जमा करना होता है, बल्कि आरडी में थोड़ी थोड़ी रकम हर महीने जमा करना होता है। बाकी सभी रूल्स एक जैसे होते हैं। आरडी अकाउंट नॉमिनी पॉलिसी के बारे में भी जान लेते हैं। आरडी अकाउंट में बैंक अकाउंट की तरह ही नॉमिनी को नॉमिनेट किया जा सकता है। आरडी अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी का नाम ऐड किया जा सकता है। नाबालिग नागरिक को भी आरडी अकाउंट का नॉमिनी बनाया जा सकता है, जिसे अगर आप न रहें तो उस वक्त आपके नॉमिनी को आरडी अकाउंट का पैसा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आरडी अकाउंट टैक्स पॉलिसी के बारे में। आरडी अकाउंट में टीडीएस लागू होता है। आरडी में अगर 10,000 से ज्यादा ब्याज आपको मिलता है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। यानी कि अगर आप 2.5 लाख से कम इनकम स्लैब में आते हैं, तो आपको 10,000 तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा में आते हैं, तो आपको अपने स्लैब के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है। आरडी की कुछ और बातें जान लेते हैं। सीनियर सिटीजन भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर अकाउंट से 1% तक ज़्यादा ब्याज मिलता है। एनआरआई और एनआरई भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ताकि उन्हें कुछ ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। अब हम आरडी अकाउंट के लोन पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। आरडी अकाउंट से जमा का 80 से 90% तक लोन लिया जा सकता है। ज़रूरत के वक्त लोन लेकर फिर उसे बाद में जमा किया जा सकता है।
आरडी अकाउंट से लोन लेना पर्सनल लोन से सस्ता पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, और अगर कुछ पूछना चाहें तो आप हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।